नमस्कार, मैं पुष्पा जांगले पुष्पाज किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ एकदम सिंपल तरीके से चावल की खीर। तो चलिए हम और आप मिलकर बनाते हैं खीर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल बटन दबाना भी याद रखिए। धन्यवाद। खीर बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े बर्तन में हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, या फिर पानी की जगह आप घी की लेयर भी लगा सकते हैं, देसी घी की, क्योंकि ये करने से आपका दूध तने में चिपकेगा नहीं और खीर में कोई स्मेल नहीं आएगी। मैंने लिया है 2 लीटर फुल क्रीम दूध और बगैर तपाए हुए लिया है। कच्चा दूध लेने से खीर में क्रीमीपना ज़्यादा आएगा, मतलब कि बहुत ज़्यादा वो चिकनाहट के साथ बनेगी। अब हम ये टोप को गैस पर उबालने के लिए रखेंगे। दूध को जैसे ही उबाली आएगी हम तुरंत उसे हिलाना चालू करेंगे, बार बार हिलाते रहेंगे ताकि हमारी खीर नीचे चिपके नहीं। वैसे तो चिपकेगी नहीं क्योंकि हमने थोड़ा सा पानी डाला है, पर फिर भी सेफ साइड हम चलाना ज़रूरी समझते हैं। 8 से 10 डंडियाँ हमने केसर की डाली है। केसर का कलर आ रहा है, केसर घुल रही है, तब तक हम एक साइड में चावल धोएंगे। चावल आप कोई भी लीजिए, जो मेजरमेंट से मैंने चावल दिए हैं उस हिसाब से ही आप लीजिए। तो न चावल ज़्यादा होंगे खीर में, न चावल कम होंगे, चावल आप कोई भी लीजिए। चावल को अच्छे से धोने के बाद हम रख लेंगे सेकंड भर भी, इन्हें ज़्यादा नहीं भिगाएंगे, क्योंकि अगर चावल के साथ अगर हमारी खीर उबलती है तो खीर का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छे से आता है। अगर आपने चावल ज़्यादा भिगा लिए तो वो तुरंत दूध में डालते ही सीज जाएंगे, जो हमारी खीर एकदम क्रीमी नहीं बनेगी, सिर्फ दूध दूध और एक साइड और चावल एक साइड, ऐसी खीर बनेगी। तो चावल पहले ना भिगाए, दूध को अच्छे से उबाल आकर 5-10 मिनट होने के बाद भिगाइए और फिर जैसे ही अच्छे से उबाल आए चावल उसमें धोए हुए डाल दीजिए। अब चावल को डालने के बाद थोड़ा सा ध्यान रखिए, हिलाते रहिए, वरना चावल एक दूसरे से चिपक के डलिया बन जाएगी। जैसे अच्छे से उबाल आ रहा है आंच का ध्यान रखिए, दूध बाहर ना जाए, इसलिए मीडियम से थोड़ी सी हल्की सी ज़्यादा आंच रखिए, तो दूध अच्छे से उबलता हुआ खीर को अच्छे से गाढ़ी बनाता जाएगा। चावल अब हमने देखे हैं बहुत हल्के से सीजे, ये कम सीजे हैं, उस हिसाब से मैं अब इसमें डाल दूंगी 1 चम्मच वही चावल सूखे मैंने पीस कर रखे हैं, ये मैंने डाले हैं खीर को एकदम से गाढ़ी बनाने के लिए। ये सीक्रेट है, सीक्रेट ये है कि आखे दाने आपके चावल के दिख रहे वो अलग है, और जो पीस कर अपन ने डाले हैं उनसे चावल की खीर गाढ़ी एकदम रबड़ी के जैसी बनेगी। आपका दूध भी कम लगेगा और खीर भी बहुत बढ़िया स्वाद देगी। सीजने के बाद ही हम इसमें शक्कर डालेंगे, पहले नहीं डालेंगे, क्योंकि अगर हमने पहले डाल दी तो चावल नहीं सीजेंगे बराबर से। इलायची के साथ ही हमारी खीर रेडी है, प्लेटिंग के लिए तैयार है खीर। बहुत ही एकदम गाढ़ी, न चावल ज़्यादा न कम, बहुत अच्छे से खीर हमारी सीज चुकी है। अब मैं गार्निशिंग के लिए मैंने पिस्ता यूज़ किया है, आप जो चाहिए वो ड्राई फ्रूट डालिए आपकी मर्ज़ी के हिसाब से। चलिए तैयार है लाजवाब बेहद क्रीमी टेस्टी खीर। धन्यवाद।